आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के कितने टाइप या प्रकार होते हैं। रिसर्च के टाइप को समझने से पहले थोड़ा रिसर्च का मतलब समझ लेते हैं। रिसर्च में री का मतलब होता है फिर से या नए तरीके से, और सर्च का मतलब होता है खोजना, यानी कि रिसर्च का मतलब होता है फिर से या नए तरीके से किसी चीज़ को खोजना। तो रिसर्च के मतलब को समझने के बाद अब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। रिसर्च करने के तरीके या अप्रोच के बेस पे रिसर्च तीन तरह के होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव रिसर्च, दूसरा क्वालिटेटिव रिसर्च, तीसरा मिक्स मेथड रिसर्च। मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के जब हम एक साथ रिसर्च करते हैं तो इसे मिक्स मेथड रिसर्च कहते हैं। और अगर हम रिसर्च को पर्पस के बेस पे डिवाइड करें तो रिसर्च दो टाइप के होते हैं, पहला बेसिक रिसर्च, दूसरा अप्लाइड रिसर्च। तो पहले हम अप्रोच या रिसर्च करने के तरीके के बेस पे रिसर्च के टाइप को समझते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अ फॉर्मल ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉर्मल ऑब्जेक्टिव और सिस्टमेटिक प्रोसेस है। डाटा इज कलेक्टेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म, यानी कि इसमें डाटा को न्यूमेरिकल फॉर्म मतलब नंबर्स में कलेक्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डाटा मतलब नंबर्स को एनालिसिस करते हैं। एनालाइज्ड बाई यूजिंग डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंसियल स्टेटिस्टिक्स, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डाटा को एनालिसिस करने के लिए डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्रेंसियल स्टेटिस्टिक्स को यूज किया जाता है। जब मैं स्टेटिस्टिक्स पे वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंसियल स्टेटिस्टिक्स क्या होता है। वैसे डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक का एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जो आपको सुरेश के शर्मा के बुक में भी मिल जाएगा। देखिए, एशिया में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है जबकि जमीन एशिया में कम है। इसी तरह से आप देखिए, अफ्रीका में पॉपुलेशन कम है लेकिन जमीन यहाँ पर ज़्यादा है। इसी तरह से यूरोप में पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है जबकि जमीन जो है कम है। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका में भी आप देखिए, पॉपुलेशन कम है जबकि जमीन जो है ज़्यादा है। तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म या नंबर्स में डाटा को प्रेजेंट किया गया है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डाटा या नंबर्स में लिखा हुआ डाटा को डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक का यूज़ करके एनालाइज करते हैं। इसके अलावा क्वांटिटेटिव रिसर्च में वेरिएबल्स आर क्लियरली अंडरस्टूड एंड डिफाइंड इन एडवांस बाय द रिसर्चर, यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल को एडवांस में या पहले से ही समझ लेते हैं और वेरिएबल्स को डिफाइन भी कर लेते हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक एग्जांपल देख लेते हैं, अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन प्रिवेलेंस ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन HAI अमंग पेशेंट एडमिटेड इन ICU, यानी कि ICU में जो पेशेंट एडमिट है उनमें से कितने लोगों को हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हुआ, यह रिसर्चर पता करना चाहते हैं। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या HAI का मतलब होता है हॉस्पिटल में रहने पर पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाना। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का सर्जरी होता है तो उसे ICU में एडमिट किया जाता है। ICU में एडमिट होते तक तो उसे कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में कुछ दिन तक रहता है तो उसे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसी इन्फेक्शन को हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कहते हैं। मतलब हॉस्पिटल में वो इन्फेक्टेड हुआ है, हॉस्पिटल में उसे इन्फेक्शन हुआ है। तो रिसर्चर ये जानना चाहते हैं कि ICU में जो पेशेंट एडमिट हुए हैं उसमें से कितने लोगों को हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हुआ है। तो इस रिसर्च प्रॉब्लम में आप ये देखिए कि हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो नंबर्स में कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि 100 ICU पेशेंट में 20 लोगों को हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हुआ, तो 20 लोग मतलब नंबर में डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। नंबर में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो नंबर को ही हम एनालिसिस भी करेंगे। तो नंबर्स को एनालिसिस करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव या इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक का यूज करेंगे। इसके अलावा इस रिसर्च प्रॉब्लम का वेरिएबल्स है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जिसे रिसर्चर पहले से ही समझ लेगा और डिफाइन भी कर लेगा क्योंकि इसके बारे में जानकारी पहले से ही अवेलेबल है कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या है। तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब अब समझ गए होंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च के भी तीन टाइप होते हैं। पहला ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या इसी को रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी कहते हैं। दूसरा क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या इसी को नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी कहते हैं। तीसरा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या इसी को ऑब्जर्वेशनल रिसर्च भी कहते हैं। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के भी और तीन टाइप होते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दूसरा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, तीसरा कोरिलेशनल रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च के इन सारे टाइप को हम आने वाले रिसर्च डिजाइन के वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक एंड सब्जेक्टिव अप्रोच टू डिस्क्राइब इवेंट एंड लाइफ एक्सपीरियंस एंड टू गिव देम इंटेंडेड मीनिंग, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च सिस्टमेटिक और सब्जेक्टिव अप्रोच या तरीका है किसी इवेंट या लाइफ एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए और इसे इंटेंड
स्टैंडर्ड मीनिंग देने के लिए, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस ऑन ओपिनियन एक्सपीरियंस एंड फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल जनरेटिंग सब्जेक्टिव डाटा। यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च किसी व्यक्ति के ओपिनियन एक्सपीरियंस और फीलिंग पर फोकस करता है जो कि सब्जेक्टिव डाटा को जनरेट करते हैं। इन क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा इज कलेक्टेड इन नरेटिव फॉर्म, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा को नरेटिव फॉर्म में कलेक्ट करते हैं या कहानी की तरह कलेक्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ डाटा सच एज वर्ड पिक्चर और ऑब्जेक्ट, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च में वर्ड पिक्चर या ऑब्जेक्ट को एनालाइज किया जाता है, एनालाइज्ड बाय डिस्क्रिप्टिव कोडिंग इंडेक्सिंग और नरेशन। यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कलेक्ट किए गए डाटा जैसे कि वर्ड पिक्चर या ऑब्जेक्ट को डिस्क्रिप्टिव कोडिंग इंडेक्सिंग और नरेशन के द्वारा एनालाइज किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव कोडिंग इंडेक्सिंग और नरेशन को मैं एनालाइज वाले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल डिस्क्रिप्टिव कोडिंग से कैसे एनालाइज करते हैं उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि किसी से हम ये जानना चाहते हैं कि मोबाइल को लेकर आपके क्या एक्सपीरियंस है, तो वो जवाब दे सकता है कि उसके लाइफ में मोबाइल का बहुत महत्व है, वो मोबाइल का यूज़ करके लोगों से बात कर सकता है, उससे सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकता है, गेम खेल सकता है, म्यूजिक सुन सकता है और वीडियो बनाने के लिए भी मोबाइल का वो यूज़ कर सकता है। इसके साथ ही वो बिजनेस से रिलेटेड भी कई चीज़ों पे मोबाइल का यूज़ कर सकता है। तो इनके द्वारा बताए गए सारी बातों को अगर हम डिस्क्रिप्टिव कोडिंग करेंगे तो एक एक वर्ड में लिखेंगे। जैसे वो बात करने के लिए मोबाइल को यूज करता है तो इसके लिए हम एक वर्ड कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। वो गाना सुनने के लिए मोबाइल का यूज कर रहा है तो हम यहाँ पर लिसनिंग टू म्यूजिक करके यूज कर सकते हैं। तीसरा, वो गेम खेलने के लिए मोबाइल का यूज कर रहा है तो हम गेमिंग एक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिस्क्रिप्टिव कोडिंग करते हैं। इसके अलावा क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर मे हैव ओनली रफ आइडिया अबाउट द वेरिएबल इन एडवांस, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर को वेरिएबल के बारे में रफ आइडिया होता है या ज्यादा पता नहीं होता है। इट इन्वॉल्व्स इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द रीजन दैट गवर्न ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च में ह्यूमन बिहेवियर और इस बिहेवियर को गवर्न या कंट्रोल करने वाले रीजन या कारण को भी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग या बहुत डिटेल में समझा जाता है। कहने का मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च में ह्यूमन बिहेवियर को इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग या बहुत डिटेल में समझा जाता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अ रिसर्चर इज कंडक्टिंग एन स्टडी ऑन एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन हु हैव अंडरवेंट फीमेल फेटिसाइड इन सेलेक्टेड रूरल एंड अर्बन एरिया इन पंजाब। यानी कि रिसर्चर ये जानना चाहते हैं कि जिस महिला के पेट में बच्चा लड़की थी और बच्चा लड़की है करके उस महिला के फैमिली वालों ने उस बच्ची को जन्म होने से पहले ही ख़त्म करवा दिया, मतलब फीमेल फेटिसाइड हुआ, तो वो महिला अपने बच्ची के मरने पर क्या एक्सपीरियंस करती है ये रिसर्चर जानना चाहता है। तो आप यहाँ पर देखें, रिसर्चर यहाँ डाटा नरेटिव फॉर्म में यानी कि कहानी की तरह कलेक्ट करेंगे। जैसे कि महिला बताएगी कि मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं इस तरह के अत्याचार को बंद करवाना चाहती हूँ। तो हर महिला अलग अलग तरह से अपना एक्सपीरियंस बताएगी। तो यहाँ आप देखें, रिसर्चर को महिला के एक्सपीरियंस के बारे में रफ आइडिया था, उसे ज़्यादा पता नहीं था। तो आप क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में अब समझ गए होंगे। तो अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप को देख लेते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के कई टाइप होते हैं, जैसे कि फेनोमेनोलॉजी रिसर्च, एथनोग्राफी रिसर्च, ग्राउंड थ्योरी रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च। इन सभी क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप को हम आने वाले रिसर्च डिजाइन के वीडियो में समझेंगे। तो अब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस को समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव अप्रोच है जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव अप्रोच है। जैसा कि मैंने आपको दोनों के एक एक एग्जाम्पल दिए थे। क्वांटिटेटिव में प्रिवलेंस ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन इन आईसीयू पेशेंट, मतलब आईसीयू में रहने वाले पेशेंट में कितने लोगों को इन्फेक्शन होता है, और क्वालिटेटिव में एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन अंडरवेंट फीमेल फेटिसाइड, मतलब जिनके पेट में बच्चा लड़की थी और लड़की होने के कारण उस बच्ची को पेट में ही मरवा दिया गया, तो माँ ने क्या एक्सपीरियंस किया। तो आप क्वांटिटेटिव में देखिए, यहाँ पर फीलिंग एक्सपीरियंस या ओपिनियन को कलेक्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि साइंटिफिकली यह स्टडी किया जा रहा है कि कितने लोगों को आईसीयू में रहने पर इन्फेक्शन हुआ है। इस तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं। जबकि क्वालिटेटिव में देखिए, आप यहाँ पर फीलिंग एक्सपीरियंस या ओपिनियन को कलेक्ट किया जा रहा है, और हर महिला का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा, क्योंकि कई महिलाओं को केवल दुख होगा, कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा दुख होगा, कई महिलाएं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेंगी क्योंकि उनके कल्चर में ऐसा होगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि हर महिला का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। तो इस तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में फीलिंग एक्सपीरियंस और ओपिनियन को कलेक्ट किया जा रहा है। दूसरा डिफरेंस है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर द्वारा वेरिएबल को एडवांस में या पहले से ही क्लियरली अंडरस्टैंड
अंडरस्टूड कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है और साथ ही वेरिएबल को डिफाइन भी किया जाता है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर को वेरिएबल के बारे में रफ आइडिया होता है या थोड़ा बहुत पता होता है। तीसरा डिफरेंस है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट किया जाता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में नैरेटिव फॉर्म में या कहानी के रूप में डाटा को कलेक्ट किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में कलेक्ट किए गए डाटा को एनालाइज करने के लिए डिस्क्रिप्टिव या इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक का यूज किया जाता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में कलेक्ट किए गए डाटा को एनालाइज करने के लिए डिस्क्रिप्टिव कोडिंग, इंडेक्सिंग और नरेशन का यूज किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में थ्योरी और हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि ये थ्योरी और हाइपोथेसिस सही है या नहीं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में थ्योरी और अजम्पशन को डेवलप करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में फेनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, केस स्टडी या हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा कलेक्ट करना आसान है, क्योंकि इसमें क्वेश्चनायर या रेटिंग स्केल टूल का यूज करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा कलेक्ट करना कठिन है, क्योंकि इसमें हम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं तो वो लोग बहुत सारे बातें बताते हैं, तो डाटा हमारे पास ज्यादा हो जाता है। साथ ही डाटा कलेक्ट करने में हमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है, मतलब डाटा कलेक्ट करना टाइम कंज्यूमिंग है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इंडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है जनरल टू स्पेसिफिक और इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक टू जनरल। तो आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस समझ गए होंगे। तो अब हम तीसरा टाइप मिक्स्ड मेथड रिसर्च की बात करते हैं। तो मिक्स्ड मेथड रिसर्च में एक साथ हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को यूज करते हैं, जैसे कि अ रिसर्चर माइट यूज कन्वर्जेंट डिजाइन टू अंडरस्टैंड द नर्सेस एटीट्यूड अबाउट द केयर ऑफ HIV एड्स पेशेंट। यानी कि जब नर्स HIV एड्स वाले पेशेंट का देखभाल या केयर करती है तो नर्सेस का एटीट्यूड कैसा होता है, मतलब नर्सेस को अच्छा लगता है या नहीं। तो यहाँ पर रिसर्चर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के डाटा को कलेक्ट करेंगे। पहला सर्वे एटीट्यूड स्केल को यूज करेंगे जिससे कि न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट हो जाए, जबकि दूसरा फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन करेंगे, मतलब 6 से 10 नर्स के साथ 1.5 से 2 घंटे तक डिस्कस करेंगे या फिर सभी नर्स का एक साथ वो इंटरव्यू लेंगे जिससे क्वालिटेटिव या नरेटिव फॉर्म में या कहानी रूप में डाटा कलेक्ट हो जाए, और लास्ट में दोनों न्यूमेरिकल या नरेटिव फॉर्म में कलेक्ट हुए डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये मिक्स्ड मेथड रिसर्च है। तो हमने अप्रोच के बेस पे रिसर्च के टाइप को समझ लिया। अब हम रिसर्च के टाइप को पर्पस के बेस पे समझते हैं। पर्पस के बेस पे रिसर्च दो टाइप के होते हैं, एक बेसिक रिसर्च, दूसरा अप्लाइड रिसर्च। तो पहले बेसिक रिसर्च की बात करते हैं। बेसिक रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। बेसिक रिसर्च इज परफॉर्म्ड विदाउट अ स्पेसिफिक पर्पस इन अ माइंड, यानी कि बेसिक रिसर्च को माइंड में कोई स्पेसिफिक पर्पस रखे बिना ही किया जाता है। इट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज। बेसिक रिसर्च को प्राइमरली नॉलेज को जनरेट करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू जनरेट एंड एक्सपेंड थ्योरी दैट डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट अ फेनोमिना ऑफ इंटरेस्ट विदाउट इट्स इमीडिएट यूज। यानी कि बेसिक रिसर्च को ऐसे थ्योरी को जनरेट और एक्सपेंड करने के लिए यूज किया जाता है जो हमारे इंटरेस्ट के फेनोमिना को या घटना को डिस्क्राइब, एक्सप्लेन या प्रिडिक्ट करता हो, और बेसिक रिसर्च का कोई इमीडिएट यूज भी नहीं होता है। ये एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो थ्योरी को डेवलप करता है। जैसे कि अ रिसर्चर कैरीज आउट ऑन स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑन वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेटरी कल्चर होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के नियम कानून बनाने में या कुछ नया प्रोग्राम अप्लाई करने में वर्कर से भी ओपिनियन या राय लिया जाता है, तो वर्कर भी ऑर्गेनाइजेशन में मन लगा के काम करते हैं। इस तरह से जब रिसर्चर ने रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि अगर वर्कर को भी बड़े बड़े डिसीजन लेने में, नियम कानून बनाने में शामिल किया जाता है, मतलब वर्कर से ओपिनियन या राय लिया जाता है, तो वर्कर भी मन लगा के काम करते हैं, मतलब वर्कर का परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होता है। तो इस तरह से रिसर्चर ने एक थ्योरी बना लिया, अगर वर्कर से भी ओपिनियन लिया जाए ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नियम कानून बनाने में या कोई नया प्रोग्राम अप्लाई करने में, तो वर्कर का परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होता है, मतलब वर्कर अच्छे से काम करते हैं अपना मन लगाकर। तो देखिए, इस थ्योरी का कोई इमीडिएट यूज तो नहीं है, केवल रिसर्चर ने थ्योरी को डेवलप कर लिया है। आपने कई थ्योरी के बारे में भी पढ़ा होगा, जैसे कि सिगमंड फ्रॉयड का थ्योरी। जब सिगमंड फ्रॉयड का थ्योरी डेवलप हुआ होगा उस समय थ्योरी का इमीडिएट यूज तो नहीं होगा, भले ही आज के समय में साइकाइट्री या साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रॉयड का थ्योरी बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। दूसरा टाइप है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च फोकस ऑन फाइंडिंग
एन इमीडिएट सॉल्यूशन टू अ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, यानी कि अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर करंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च करता है। अप्लाइड रिसर्च करने का करंट में फंक्शनल पर्पस, प्रैक्टिकल यूज और एप्लीकेशन भी होता है। जैसे कि पिन साइट इन्फेक्शन को रोकने के लिए दो तरीके हैं, तो इन दोनों तरीकों में सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, तो इसे जानने के लिए रिसर्चर क्या है अप्लाइड रिसर्च करेगा, ताकि हमें करंट में ये पता चल सके कि बेस्ट तरीका कौन सा है पिन साइट इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो आप अप्लाइड रिसर्च का मतलब भी समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।